अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कल वाला था उसको ही कंटिन्यू करेंगे इनकम्पैटिबिलिटीज के अंदर, ठीक है। सो हम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देख रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटीज किस किस टाइप के हो सकती है। स्क्रीन विजिबल है सबको? नो मैम। यस मैम। तो कल हमने रिडॉक्स फ्रैक्शंस देख ली थी, फ्लेवर्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिया प्रिपरेशन के अंदर, फ्लेविन और फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्लाइड, सो व्हेन द ड्राई पाउडर कंटेन्स बोथ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, द मिक्सचर में एक्सप्लोड, ठीक है। अगर ड्राई पाउडर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही प्रेजेंट हो तो मिक्सचर क्या हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और अनदर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और दोनों आपस में क्या करेंगे, ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। सो उसकी वजह से जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोड हो सकता है। द इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन डिवेल्प ड्यूरिंग द मिक्सिंग इंक्रीज द चांस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जब मोटर पैसर में हम, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पाउडर मिक्स किया, उसके बाद सेकेंड पाउडर इसमें डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जब हम मोटर पैसर के अंदर उसे मिक्स करते हैं। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चांस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा डिवेल्प हो सकती है। Therefore, such reacting substance should be dispensed separately or powder should be mixed lightly by saturating method. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली डिस्पेंस करेंगे या सेपरेटली मिक्स करेंगे बाय स्पेचुलेशन मेथड, मीन स्पेचुला से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, लाइटली बाय स्पेचुलेशन मेथड मिक्स कर देंगे, ठीक है। हम मोटर पैसल से नहीं करेंगे बिकॉज उससे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन के डेवलपमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कंसीडर द स्पेचुलेशन मेथड एज कंपेयर टू द मिक्सिंग मेथड इन द मोटर एंड पैसल। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, द हाइड्रोलाइसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अवॉइडिंग द मॉइस्चर कंटेंट और बाय चेंजिंग पीएच, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस को, ठीक है। इसे कंट्रोल कर सकती है कि मॉइस्चर कॉन्टैक्ट है जो, वो हमारे पाउडर के साथ में हमारा कॉन्टैक्ट ना हो हमारे मॉइस्चर का, और बाय चेंजिंग पीएच, या फिर हो सकता है कि उसकी पीएच चेंज हो गई है उसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है। सो ये दोनों ही रीजन हो सकती है, तो इन दोनों रीजन को हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, मॉइस्चर को कंट्रोल करना है और चेंज इन पीएच को कंट्रोल करना है। सो यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज द एस्पिरिन इज मोर सेंसिटिव टू वाटर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू मोर इरिटेंट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन जो है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द एस्पिरिन इज इन मोर सेंसिटिव टू वाटर, ठीक है। जो हमारा एस्पिरिन होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है वाटर का, वाटर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैबलेट भी लेते हो, ठीक है, अगर वो थोड़ी सी भी वाटर के कंटेक्ट में आती है तो वो डैमेज हो जाती है, बिकॉज एस्पिरिन इज वेरी सेंसिटिव एंड गेट कन्वर्टेड टू मोर इरिटेंट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसके अंदर वाटर डालते हैं। हेंस इट इज ग्रैनुलेटेड विदाउट द यूज ऑफ वाटर, ठीक है। सो हमें इसे ग्रैनुलेट करना है, बिल्कुल ड्राई मोटर पैसल में हम इसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यूज करने से पहले मोटर एंड पैसल को बेसिकली ओवन के अंदर 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। द पैरासिटामोल इज स्टेबल बिटवीन पीएच 5 and 7, और हमें पता है पैरासिटामोल की स्टेबिलिटी दिखाई हुई है कौन सी पीएच पे, 5 और 7 के बिटवीन ये क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। अगर इससे कम होती है पीएच और इससे ज्यादा होती है पीएच तो पैरासिटामोल अनस्टेबल हो जाती है, मीन्स वो रिएक्शन करती है।
सो वाइल आइबोप्रोविन शो द मोर सॉल्विटी अबाउट द pH 6, ठीक है, आइबोप्रोविन का क्या होता है कि वो ज्यादा सॉल्विटी शो करेगा जब उसकी pH लेवल 6 से ज्यादा हो. Therefore, the compound suspension of these two drugs in the combination pH of the solution is 5 to 6. ठीक है, सो अगर मैं पैरासिटामोल और आइबोप्रोविन की टेबलेट को मिक्स कर रही हूँ या सस्पेंशन प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इन दोनों की जो pH रेंज है वो 5 और 6 के बीच रहनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज द वन इज सॉल्युबल इन द पैरासिटामोल, तो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हो सके और इजिली एक सस्पेंशन बन जाए. ठीक है, so this is called as the how to get rid of the hydrolysis and what are the main reasons of hydrolysis. Next is racemization ki problem aati hai, the conversion of an optically active form to an optically inactive form without changing chemical constitution result in reduced therapeutic activity. kya hota hai ki optically active form ko agar hum optically inactive form mein convert kar dete hain विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, मीन्स ऐसे ही हमारी जो रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिस्क्रिप्शन में दो और दो ड्रग्स से ज्यादा मिक्स कर रहे हैं लेकिन उसकी केमिकल एंटिटी कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस थेरापेटिक एक्टिविटी, मीन्स जो हमारे पास ड्रग्स का एक्शन है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसमाइजेशन. So the fifth problem is occurring, that is called effervescence. ठीक है, effervescence पता होगा सबको, effervescence क्या होती है? आपने कभी देखा है जब दो और दो से ज्यादा हम पाउडर्स मिक्स करते हैं, ठीक है, सो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जनरेट होती है, मीन्स वो एकदम से धुआं धुआं सा उठता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द effervescence. ठीक है, वेपर से लगते हैं हमें, ठीक है, व्हाइट वेपर्स उठते हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज एफर्वेसेंस. तो टू और मोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर्मुलेशंस रिएक्ट टू जनरेट द कार्बन डाइऑक्साइड. टू ओवरकम सच रिएक्शंस, आइदर इन रिएक्शंस को हमें ओवरकम करना है, ये प्रॉब्लम है कि हम जब भी दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जनरेट होती है. सो इस चीज को हमें ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये फॉलोइंग मेथड है. सो फर्स्ट इज मिक्स द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट इन द ओपन कंटेनर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट है अगर ओपन कंटेनर में हम मिक्स कर रहे हैं, एंड अलाउ टू कंप्लीट द रिएक्शन बिफोर, ठीक है, हम ओपन कंटेनर लेंगे, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होनी है वो इजिली हो पाए. ठीक है, उसके बाद हम मिक्सिंग करने के बाद फिर उसे कंटेनर के अंदर डालेंगे. सो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाई यूजिंग द हॉट वाटर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम इंक्रीज करना चाहते हैं बिकॉज कुछ रिएक्शन हमें इम्पॉर्टेंट होती है, ये एफर्वेसेंस रिएक्शन, सो वो हमें थोड़ी सस्पेंशन बनाने में काम आती है, कुछ इमल्शंस बनाने में काम आती है. सो ये रिएक्शन कभी कभी हम क्या करते हैं, वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, हॉट वाटर, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है. ठीक है, सेकेंड मेथड ये हो सकता है, चेंज द वन और मोर रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स. हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे दो इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होके एफर्वेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों में से एक इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, डिस्पेंस रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सेपरेटली. ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सेपरेटली. जो हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनको डिस्पेंस, मतलब अलग अलग फॉर्म में हम उसे डिस्पेंस करेंगे. तो कलर चेंज हम पढ़ रहे थे. कलर चेंज में हमारे पास क्या होता है,
द कलर चेंज इज विजिबल इन कंपेटिबिलिटी. ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन द कलर रिएक्शन इज रैपिड इट इज अलाउड टू कंप्लीट बिफोर डिस्पेंसिंग. अगर हमारी कलर चेंज की रिएक्शन विजिबल क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमने दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को क्या किया, मिक्स किया. ठीक है, और क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा ड्रग्स मिक्स की तो उसकी वजह से कलर चेंज हो गया रिएक्शन का. ठीक है, हमारे जो ड्रग है उसका कलर चेंज हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज ए कलर चेंज रिएक्शन. तो व्हेन द कलर रिएक्शन इज रैपिड इट इज अलाउड टू कंप्लीट बिफोर द डिस्पेंसिंग. ठीक है, अगर हमारे पास कलर रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे डिस्पेंसिंग से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा. द डिलेड कलर चेंज इन द फॉर्मुलेशन क्रिएट द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पेशेंट. ठीक है, सो अगर डिलेड कलर चेंज होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ड्रग है, हमने उसकी डिस्पेंसिंग कर दी. ठीक है, मे बी आइदर इट इज द लिक्विड डोजेज फॉर्म और आइदर इट इज मे बी द सॉलिड डोजेज फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टैबलेट है वो उसको मैंने डिस्पेंस कर दिया लेकिन उसकी कलर चेंजेस की रिएक्शन कम्प्लीट नहीं हुई. ठीक है, सो वो एक्चुअली पहले व्हाइट थी फिर बाद में क्या हो गई है, देयर इज क्रीम कलर की या फिर रेड कलर की हो गई है. सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो ये सोच सकता है ये जो मेडिसिन है वो खराब हो चुकी है. ठीक है, सो दैट इज क्रिएटिंग द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट इज तो एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं हम सोडियम सैलिसिलिक मिक्सचर दैट इज बीपीसी ड्यूरिंग द स्टोरेज. द एल्कलाइन सॉल्यूशन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन एंड बिकम ब्राउनिश ब्लैक. ठीक है, क्या होता है कि जब हम सोडियम सैलिसिलिक के मिक्सचर को एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, ठीक है, सो ऑक्सीडेशन होती है उसकी. ठीक है, थ्रू द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है. So the color produced is safe and has therapeutic value, but it may create the confusion in the mind of patient. ठीक है, इसकी therapeutic value है. ये जो हमारा brownish color produce हो रहा है during the storage, इसकी एक therapeutic value है कि इसकी वजह से जो therapeutic effect है वो increase हो जाता है. लेकिन patient को ये नहीं पता और उसके mind में confusion create हो सकता है. Hence हम क्या करेंगे, द एंटीऑक्सीडेंट लाइक सोडियम मेटा बाइसल्फाइड इज एडेड एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू कंट्रोल द ऑक्सीडेशन. हम क्या करेंगे, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड इसके अंदर ऐड करेंगे. ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन कंट्रोल हो सके. सो सेवंथ इज इनकम्पेटिबिलिटी विद द कंटेनर्स. इतनी लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हैं ये लोग, 10:05. तो इनकम्पेटिबिलिटी विद द कंटेनर्स, द प्रोडक्ट फेल इन द कंटेनर. ये एक अलग इनकम्पेटिबिलिटी है कि कंटेनर के साथ में ही ड्रग क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है. सो द प्रोडक्ट फेल इन द कंटेनर मे रिएक्ट केमिकली विद द कंटेनर और गेट एब्जॉर्ब बाय अ कंटेनर और क्लोजर. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है जो हम फिल कर रहे हैं कंटेनर के अंदर वो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, कंटेनर के साथ में. और गेट क्या हो सकता है, या तो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा या फिर क्या हो सकता है, कंटेनर उसे अब्सॉर्ब कर रहा है रिएक्शन की वजह से. सो दिस इज कॉल्ड एज द इनकम्पेटिबिलिटी विद द कंटेनर. इसमें हमारे पास सबसे पहले ग्लास कंटेनर अल्कली लीचिंग होती है. जैसे आपका ग्लास कंटेनर है, ठीक है, सो उसके अंदर अगर हम अल्कली डालते हैं तो उसकी लीचिंग होनी शुरू हो जाती है. रबर क्लोजर में अब्सॉर्ब दी प्रिजर्वेटिव. ठीक है, जो हम रबर के क्लोजर्स डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी बॉटल को क्लोज करने के लिए रबर के क्लोजर्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो उसके वजह से क्या हो सकती है, हमारी डोजेज फॉर्म खराब हो सकती है. नेक्स्ट, मेटल कंटेनर्स कैटलाइज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो भी मेटल कंटेनर्स होते हैं, जो मेटल से बनते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसके रेट को. तो उसकी वजह से भी ड्रग क्या हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकती है ड्रग. तो दिस इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी विद द कंटेनर. द नेक्स्ट इज नोन एज द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज द, अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी.
Now we are proceeding with the therapeutic incompatibilities. Therapeutic incompatibilities में क्या होता है? It is a result of prescribing a certain drug to the patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action. But the nature or intensity of action produced is different from that intended by a prescriber. ठीक है, मैंने क्या किया? दो ड्रग्स को किसी पेशेंट को दे दिया, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता उन दोनों के अंदर, हो सकता है उन दोनों के ड्रग के अंदर रिएक्शन हो जाए और थेरेपेटिक इफेक्ट उसका इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सेकंड थिंग हो सकती है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को क्या कर देगी, निग्लेक्ट कर देगी, मीन दूसरे ड्रग के एक्शन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर क्रिएटिंग द थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। मेरी प्रिस्क्रिप्शन में मैंने पेशेंट को ड्रग ऐसे दी कि उसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंप्लीट मिलेगा, बट मैंने इंटेंसिटी ऑफ एक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट होती है जो कि मैंने प्रिस्क्राइब की है, सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन दीज इनकम्पेटिबिलिटीज। सो थेरेपेटिक कंपेटिबिलिटी इज अकरिंग ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकती है ये? फर्स्ट इज नोन एज ए मेडिकेशन एरर्स, सेकेंड ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट मेडिकेशन एरर्स को डिटेल में देखते हैं कि मेडिकेशन एरर कैसे हो सकता है। बेसिकली मेडिकेशन एरर जो है वो डॉक्टर के या फार्मासिस्ट या नर्स और पेशेंट के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली क्या होता है कि जब भी मेडिसिन कौन रिकमेंड करता है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, फार्मासिस्ट रिकमेंड करता है, नर्सेस या फिर पेशेंट रिकमेंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और इनके बेसिस पे ही मेडिकेशन एरर प्रोड्यूस होता है। दिस कैन बी कैटेगराइज एज प्रिस्क्रिप्शन एरर, डिस्पेंसिंग एरर, सिलेक्शन एरर, बैगिंग एरर और एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ठीक है। ये जो एरर्स है ये इतने टाइप्स के हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज ए प्रिस्क्रिप्शन एरर, द एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। क्या हो सकता है कि कोई डॉक्टर है या फिर कोई फार्मासिस्ट है, ठीक है, मैंने डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने कोई भी नीटली एंड करेक्टली मेडिसिन को नहीं लिखा है, ठीक है। सो फार्मासिस्ट उसे क्या होता है, उसे हैसल होता है कि है वो नहीं पढ़ पाता, सो दैट इज कॉल्ड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी नीटली एंड करेक्टली रिटन बाई अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसे नीटली एंड करेक्टली रिटर्न किया जाता है बाय अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर, अदरवाइज इट इज अ मेजर हैसल फॉर अ फार्मासिस्ट। सो इट बिकम द हैसल फॉर अ फार्मासिस्ट एंड द फार्मासिस्ट इज नॉट एबल टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एरर प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी एरर हो सकती है? मे बी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है या फिर इलिजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है, हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही। नेक्स्ट इज SALA मेडिसिन, द साउंड अलाइक लुक अलाइक, ठीक है, मीन्स कुछ मेडिसिन हैं वो साउंड लाइक करती हैं, ठीक है, लुक अलाइक करती है, मीन्स कुछ का, जैसे आपने बोला कुछ और ड्रग लेकिन पेशेंट ने कुछ और ही ड्रग सुन ली, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड साउंड अलाइक लुक अलाइक। टैबलेट डुप्लो, दैट इज अ डल्कोलैक्स अ लक्सेटिव टैबलेट है, और टैबलेट ड्यूकोलॉक्स इज द एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डुप्लोलैक्स, ठीक है, उसने क्या सुना, डुकोलॉक्स, ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, उसने लक्सेटिव की जगह एंटीबैक्टीरियल ड्रग दी, सो दैट इज द कॉमन मिस्टेक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डोजेस, ठीक है, किस टाइप की डोजेस फॉर्म है उसमें भी एरर हो सकता है। द सेम ड्रग कैन बी अवेलेबल इन टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म फ्रॉम द एडल्ट, ड्रॉप्स और पीडियाट्रिक पेशेंट। द सिलेक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू टेक द मेडिसिन, ठीक है। क्या होता है कि हम जो भी ड्रग देते हैं वो टैबलेट में भी हो सकती है, कैप्सूल्स में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, ठीक है। सो हम पेशेंट को उसकी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग देंगे, मीन्स पेशेंट जिसमें कंफर्टेबल है, अगर पेशेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म इजिली स्वेल कर लेता है सो वो सॉलिड प्रेफर करेगा, ठीक है, अगर वो ड्रॉप प्रेफर करता है तो वो ड्रॉप्स लेगा। तो इट डिपेंड ऑन द पेशेंट एबिलिटी, कि पेशेंट की क्या एबिलिटी है, वो किस टाइप की ड्रग को इनटेक कर सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन की वजह से भी एरर होते हैं। सम मेडिसिन
स्पेशली दोज हूज डोजिंग इज क्रिटिकल आर अवेलेबल इन द डिफरेंट स्ट्रेंथ. ठीक है, कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में देते हैं. एग्जाम्पल हेलोपिरिडोल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है. ठीक है, इसको हम वेरियस स्ट्रेंथ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.25 में भी आती है, 2 mg की भी आती है, 5 mg की भी आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ की आती है. ठीक है, सो इसकी वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है, सो प्रैक्टिशनर को चाहिए वो हेलोपिरिडोल अगर 2 mg दे रहा है तो उसके साथ में 2 mg जरूर लिखे. नेक्स्ट इज क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, कितनी क्वांटिटी डिस्पेंस होनी चाहिए, इसकी वजह से भी एरर होती है. द फार्मासिस्ट शुड चेक द डोज एंड सी दैट योर क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द कोर्स. ठीक है, कि हमें फार्मासिस्ट को क्या चाहिए कि वो सबसे पहले डोज चेक करे और उसके बाद देखे कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन सफिशिएंट है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए. अगर 1 month का कोर्स है किसी भी ड्रग का, सो क्वांटिटी ऑफ डोज इज सफिशिएंट और नॉट. ठीक है, इफ नॉट देन यू प्रिस्क्राइब दैट द ड्रग फॉर अकॉर्डिंगली, दैट इज फॉर 1 month के लिए आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो और पेशेंट को गाइड कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज डोज एंड डायरेक्शन. द फार्मर शुड चेक द डोज डोजेस फॉर रेजिडेंट एंड डायरेक्शन टू डोज. दिस इज अ कॉमन पॉइंट कि इसमें क्या करते हैं पेशेंट्स, बहुत ही ज्यादा एरर प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे क्या होता है कि फार्मासिस्ट बोलते हैं इसे 2 times लेना है, 3 times लेना है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं एलिजिबल होता है. तो देर इज सम मार्क्स होते हैं या फिर सम देर इज अ लेटिन वर्ड्स की कुछ देर इज अ सिंबल्स हम यूज करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ये क्लियरली इंडिकेट हो जाता है. या फिर अगर पेशेंट को नई नॉलेज है तो हम सिंपल जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है, राउंड मार लेता है. अगर तो 2 times लेनी है तो 2 round मार देता है. सो दैट इज अ क्लियरली इंडिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट. तो इसकी वजह से जो एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं. सो सेकेंड आता है डिस्पेंसिंग एरर. अब ये तो थे हमारे पास डॉक्टर्स के एंड से या नर्सेज के एंड से एरर से, लेकिन हमारे पास अब आते हैं डिस्पेंसिंग एरर. डिस्पेंसिंग एरर में हो सकता है पुअर हैंडराइटिंग की वजह से हो सकता है, लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से हो सकता है, इनकम्प्लीट पेशेंट इंफॉर्मेशन जो है हमें कम्प्लीट नहीं मिली, हमें उसे एज पता है, हमें उसे सेक्स पता है लेकिन उसकी एज नहीं पता है. ठीक है, सो एज इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर दी कैलकुलेटिंग दी डोजेस. डेविएशन इन दी अटेंशन ऑफ फार्मासिस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल ऑर्डर्स. ठीक है, वर्बल ऑर्डर्स नहीं समझ पा रहे. तो फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. सो दीज आर दी सम कॉमन डिस्पेंसिंग एरर हो सकते हैं. अब हमारे पास थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, कि हम जो मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी एरर चांसेस हो सकते हैं. सो व्हाइल रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ फार्मासिस्ट शुड बी अलर्ट. ठीक है, जब भी फार्मासिस्ट कोई भी मेडिसिन कोई भी रिमूव कर रहा है अपनी शेल्फ से, ठीक है, सो उसे अलर्ट रहना चाहिए कि कोई ऐसी मेडिसिन तो वो रिमूव नहीं कर रहा जो हमें चाहिए. ही शुड रिमूव द करेक्ट मेडिसिन. The SELA medicines should not be kept adjacent to one another. ठीक है, कभी भी जैसे हमारे पास देयर इज अ डुप्लो एक्स एंटीबैक्टीरियल और हमारे पास लग्जेटिव की एग्जाम्पल दी थी, तो कभी भी वो दोनों ड्रग्स जो है वो एक दूसरे के साथ में फार्मासिस्ट को नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज इसके साथ एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज बैगिंग एरर्स. बैगिंग एरर्स क्या होता है, आफ्टर बाइलिंग dosage form should be packed in the appropriate bags or cover and handed over to the right person. ठीक है, क्या होता है कि कई बार क्या करता है कि पर्सन किसी और पर्सन को पेशेंट भेज देता है कि आप क्या करो ले आओ ड्रग को. ठीक है, सो हो सकता है वो पेशेंट क्या करता है, वो जो पर्सन होता है वो उसको राइट डोजेज फॉर्म जो उसको हमने समझाई है कि इसे प्रॉपर वे में लेना है आपको, सुबह से शाम लेना है. ठीक है, सो वो बैगिंग एरर होता है कि हैंड ओवर टू द राइट पर्सन. ठीक है, मीन्स उस पर्सन ने क्या किया, या तो उसको दिया ही नहीं या फिर उसको दिया लेकिन उसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया. सो दिस इज कॉल्ड बैगिंग एरर. नेक्स्ट इज एरर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. यस रितेश,
कुछ पूछ रहे थे आप? यस मैम, मैम मैं बोल रहा हूँ लग्जेटिव के तौर में कौन सा दो मेडिसिन नहीं रखना चाहिए? लग्जेटिव और एंटीबैक्टीरियल की जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, यस मैम, डोलोलेक्स टाइप कुछ था मेडिसिन, मैम कनेक्शन कट गया था मेरा। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट इज एरर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एरर इन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग द कोटेड और सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ठीक है, जो भी हमारी कोटेड और सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है वो क्या हो सकती है? आपकी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग दी डिस्पेंसिंग आपने कर दिया था। उसके बाद है सस्पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट दी शेकिंग। ठीक है, आपने क्या किया? सस्पेंशन दे दिया पेशेंट को, लेकिन उसने ले ली है उसको विदाउट दी शेकिंग, तो ड्रग का एक्शन नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है एक्टिव एपीआई जो है वो तो नीचे ही रह गया सस्पेंशन में, अगर उसने शेक ही नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज आर एरर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज टेकिंग मेडिकमेंट एट द रॉन्ग टाइम बिफोर और आफ्टर मील। ठीक है, आपने क्या बोला था कि मेडिकमेंट पहले लेनी है लेकिन उसने बाद में ले लिया, सो दीज आर दी सम एरर्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट इज ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन मीन्स जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लो ड्रग्स दी है, ठीक है, सो उसके अंदर ड्रग के अंदर क्या इंट्रैक्शन होते हैं, ये तो अभी हो गया एरर्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, पेशेंट ने प्रोड्यूस किए हैं। सो नाउ वी हैविंग द ड्रग, ड्रग की वजह से क्या एरर होता है? सो फर्स्ट इज नोन एज दी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। देर आर सर्टेन ड्रग्स विच मे बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पर्टिकुलर डिसीज और पर्टिकुलर पेशेंट हु इज एलर्जिक टू इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं, ठीक है, वो हमसे पूछता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, वो इसलिए पूछता है बिकॉज देयर आर दी सम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं जो किसी पेशेंट को हम नहीं दे सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन एंड सल्फा ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू पेशेंट हु हैज एलर्जिक टू इट। ठीक है, पेंसिलिन और सल्फा ड्रग्स हम उनको नहीं दे सकते जिनको इनसे एलर्जी होती है। नेक्स्ट इज साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। साइनर्जिज्म का मतलब है दो ड्रग का एक्शन क्या होता है, सेम होता है, और हमने दोनों ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी तो उसे क्या होता है, ड्रग्स का एक्शन डबल हो जाता है। एंटागोनिज्म का एक्शन दो ड्रग्स ऑपोजिट वे में काम कर रही है। मैनी ड्रग्स एक्सिबिट साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉम्बिनेशन। So when the two drugs are prescribed together, they tend to increase the activity of each other called the synergism. ठीक है, means two drugs क्या है, same action है उसका। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ड्रग के अंदर पैरासिटामोल था, दूसरी ड्रग दी उसके अंदर भी पैरासिटामोल था, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल इंक्रीज दी एनाल्जेसिक एक्टिविटी। जैसे मैंने क्या किया, एस्पिरिन और पैरासिटामोल क्या होती है, एनाल्जेसिक होती है, दोनों ही ड्रग मैंने पेशेंट को दे दिए, सो इसकी वजह से क्या होगा, एनाल्जेसिक एक्टिविटी जो उसकी पेन की अगेंस्ट एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेकंड केस आता है व्हेन द टू ड्रग्स हैविंग द ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कॉल्ड एज द एंटागोनिज्म। एग्जांपल इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड प्रोबेनिसिड। ठीक है, दो ड्रग आपस में एक्शन क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, ये एक चीज इंक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है, सो दोनों का ऑपोजिट एक्शन। नेक्स्ट इज अनइंटेंशनल ड्रग इंटेंशन। अनइंटेंशनल है कि किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलती है। द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय अ प्रायर और साइमल्टेनियस एडमिशन ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइलिन हाइड्रोक्लोराइड है 250 mg हमने ली। ठीक है, हमने क्या करना है, एक कैप्सूल लेना है मिल्क के साथ में। ठीक है, हमें पता है टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट बाय कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन की और हमने उसको नहीं बोला कि उसे मिल के साथ लेनी है, ठीक है, किसी ने डायरेक्शन दे दिया उसे कि मिल के साथ में लेनी है, और जैसे ही वो मिल के साथ उसको लेता है सो वो उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। सो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ दी ड्रग इंजेक्शन। इसके बाद इंटेंडेड ड्रग इंजेक्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,